नमस्कार दोस्तों, तुम्हारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस पहाड़ियों के रास्ते से नेपाल की राजधानी काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर जा रहे हैं और वहां जाके पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में बातें करेंगे और चारों ओर का नज़ारा आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू के पास देवपाटन नामक गांव में बागमती नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों, यह भगवान शिव की एक पांच मुंह वाली मूर्ति है वहां पर, जो पशुपतिनाथ विग्रह में चारों दिशाओं में एक मुख और एक मुख ऊपर की ओर है। प्रत्येक मुख के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला है और बाएं हाथ में कमंडल मौजूद है। तो दोस्तों, हम पशुपतिनाथ मंदिर पहुंच चुके हैं और ये चारों ओर का नज़ारा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। जो देखिए, यही पशुपतिनाथ जो हमारे पीछे जो दिख रहा है, यही मंदिर का परिसर है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि लोग यहाँ जो पशुपतिनाथ क्यों कहा जाता है, शिव भगवान को पशुपतिनाथ लोग क्यों बोलते हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि मनुष्य के समान पशुओं के प्रति भी शिव का हृदय में बहुत प्रेम था, इसलिए उन्हें पशुपति नाम का कहा जाता है और पशुपति नाम पड़ा। अब हम दोस्तों बातें करते हैं कि पशुपतिनाथ का महत्व क्या है। तो बातें करते हैं दोस्तों, बताते हैं कि पशुपतिनाथ मंदिर के संबंध में यह मान्यता है कि जो भी पशुपतिनाथ मंदिर का दर्शन करता है, उन्हें पशु के योनि में जन्म नहीं होता है, लेकिन पशुपतिनाथ के शिवलिंग के दर्शन करने के पहले नंदी का दर्शन ना करें। यदि आप नंदी भगवान का दर्शन करते हैं तो आपको पशु का ही घर में जन्म होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बातें करते हैं कि पशुपतिनाथ क्या ज्योतिर्लिंग है। तो दोस्तों, हम बातें करते हैं कि नेपाल के काठमांडू हृदय में स्थित विश्व परिषद पशुपतिनाथ मंदिर है, यह हिंदुओं का सबसे बड़ा शिव मंदिर है। हालांकि मान्यता प्राप्त 12 ज्योतिर्लिंग में पशुपतिनाथ का नाम नहीं है, फिर भी पशुपतिनाथ को देदीप यमान लिंग माना जाता है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनको ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। को अगरबत्ती, ये जो दिए जो जल रहे हैं, आरती शाम को आरती बहुत बढ़िया से लगाया जाता है, जो देखने का नज़ारा ही कुछ अलग रहता है। और देखिए, अंदर तो गए थे तो, लेकिन हम लोगों को फ़ोटो खींचने से मना कर रहा था, जिसके वजह से मैं छत के मैंने ऊंचाई पर आकर मैं आपको पीछे जो मेरा मंदिर दिख रहा है, तो मैं वहाँ से आपका फ़ोटो लेके पूरा मंदिर का जो ऊपर वाला जो कब्ज है जो दिख रहा है आपको, मैं खींच के बता रहा हूँ। और चलिए अब दूसरी ओर की तरफ देखते हैं, जो चलते आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, हम लोग अब पशुपात के श्मशान घाट की ओर जा रहे हैं, जो वहाँ से जाएंगे और देखेंगे। तो चलिए, ये नेपाल पुलिस के फोर्स लोग हैं, जो शायद कोई बड़े ऑफिसर या नेता वगैरह की देहांत हो चुका है, जिसको वजह से लोग आए हुए हैं। तो दोस्तों, एक बात और बता दूं कि पशुपतिनाथ में आस्था रखने वाले मुख्य रूप से हिंदुओं को मंदिर परिसर में प्रवेश करने की अनुमति है, और गैर हिंदू जो दूसरे धर्म के हैं, इसे बाहर से बागमती नदी के दूसरे किनारे से देखने की अनुमति है। यह मंदिर नेपाल में शिव का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये यहाँ का श्मशान घाट है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो यहाँ पूरा हिंदू रीति रिवाज के अनुसार से अंतिम संस्कार किया जाता है, जो आप देख के समझ ही सकते हैं। तो चलिए देखिए दोस्तों, यह वीडियो आपको यदि अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि इस तरह के और भी लेटेस्ट वीडियो आपको हम देते रहें। तो भैया, ये काठमांडू का होटल में हम लोग बैठे हुए हैं, जो काठमांडू का होटल